इसकी फुल मस्ती चल रही है, मुझे छड़नी नहीं देगा बेड पे भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम उठे हैं, मुझे उठे बहुत देर हो गई है वैसे, और अभी हो रहे हैं 8:12। और आज सबसे बड़ी बात, हमारा भैया सो रहा है आज, पता नहीं इसको क्या हुआ है, ये इतनी लेट तक सो रहा है, वरना कभी नहीं सोता। अब तक तो ये दोबारा सोने की तैयारी करता था, लेकिन आज अभी भी सो रहा है। और बाहर मैं गई थी तो थोड़ा सा बाहर हो रही है धुंध, और लेके चलेंगे आपको अभी बाहर। भैया उठ चुकी है और अभी हो रहे हैं 8:15 से कुछ ही ज़्यादा हुआ है, 8:18 हुए हैं। मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था, भैया नहीं उठे, और अब हमारे भैया उठ गए हैं और अभी बेताब हो रहा है बाहर जाने के लिए, है ना टीटू? अभी बाहर जाएगा, इसको पापा लेके जाएंगे। अबे भोला बन रहा है, ले चलो बाहर। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग टीटी। ये उठते है, बड़ा शरीफ बच्चा बन जाता है हमारे। पापा आ गए। टीटू इसके कोई एक्शन देखना है, ये बुरी तरह। पापा फोन पे लग रहे हैं और इसको बाहर जाना है, पापा आ नहीं रहे। बाय टीटू। ये अंकल आए दवा लेने और वो बोक रहा है। हमारे यहाँ पेड़ की कटिंग हो रही है, ये एक बाबा कर रहे हैं। हमारे टीटू को बांध दिया है क्योंकि बाहर कोई गाड़ी आ गई थी तो ये उन लोगों पे अटैक कर रहा था, है ना टीटू? मैं जाती हूँ बाहर देखने, अभी असली रंग दिखाएगा, मुझे भी लेके चल। आज हम जा रहे हैं कि स्पेशल जगह, वो आपको बताएंगे, नहीं वो सरप्राइज है, वो वहाँ जाके बताएंगे। बहुत ही सुंदर जगह है वो, और चलते हैं अभी यहाँ से। बाय बाय टीटी, हम जा रहे हैं, बाय। ये था वो सरप्राइज, हम आए हैं रामदेव जी बाबा के मंदिर में, और ये बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, बहुत ही सुंदर जगह है ये। ये एक रामदेव जी का विशाल मंदिर है जो हमारे घर के पास में ही है, बहुत ही बड़ा मंदिर है ये। यहाँ पे परिक्रमा भी दी जाती है, यहाँ पे हम परिक्रमा देते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, प्रसाद मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और ये बाबा यहाँ पे तिलक लगाते हैं सबके जो भी आता है, ये करेंगे पापा के तिलक, और ये दो कलर के तिलक लगाते हैं लड़कियों के, और ये चरण ये भी पिलाते हैं पानी क्या होता है भगवान जी का, और फिर उसके बाद देते हैं ये प्रसाद। खुद ही सारे काम करवाते हैं ये, और अभी प्रसाद देंगे पापा भी। ये प्रसाद देते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है गाइस ये। हमने प्रसाद इनको पहले ही दे दिया था, रास्ते में मिल गए थे ये, और दान यहाँ पे चढ़ा दिया था, हमारा प्रसाद वहाँ रखा हुआ है। बाबा के यहाँ अभी मेला था, हम मेले पे नहीं आ पाए थे, तो मेले के यहाँ पे अभी गुब्बारे सजावट हो रखी है अभी भी। यहाँ पे बंदर भी है, यहाँ पे बोरिंग हो रखी है, पास में स्कूल भी है छोटे बच्चों के लिए, ये बंदर घूम रहे देखो यहाँ पे, और ये बहुत ही बड़ा मंदिर है। मंच जो प्रोग्राम होता है तो ये मंच काम आता है, अभी तो यहाँ पे पेड़ सूखे हुए हैं वरना बहुत हरे भरे होते हैं यहाँ पे पेड़। जाकर बाबा की
और अब चलते हैं अपने घर। अरे भैया हमारा इंतजार कर रहे थे, हम प्रसाद लाए हैं इसके लिए, इसका तो मजे हो गए। ओ तेरी, ये बड़ा बदतमीज है, हमारे मन पसंद से खाता है, हट तेरी। अरे पापा को भी लिया याद तो, मैं पापा भी आ गए, सूंघता है भाई, क्या खाजा क्या है ये। हमारे यहाँ बनी है मिक्स दाल, और मिक्स दाल के साथ मक्के की रोटी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। मक्के की दाल, मक्के की रोटी साथ दाल, सॉरी, खाते हैं खाना। टीटू ये पापा के साथ नीचे जाने के लिए बेताब हो रहा है, और पापा के ऊपर भोंक भी रहा था। इसका मैं जैसे वीडियो बनाती हूँ भोंकना बंद कर देता है यार। पर आने का बहुत ही शौक है, ये सोच रहा है मैं किधर से आऊँ। हेलो, ये हमारी जूजू है, ये बहुत शैतान बच्चा है, इसके सिर पे मेहंदी रच गई। देखो देखो, दिखाओ दिखाओ दोस्तों को, मेहंदी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ, सिर के मेहंदी मैं खुद ही करूँ, ये इसकी मेहंदी है। जब इसको खुजली करवानी होती है ना, तो बहुत शाना बच्चा बन जाता है ये हमारे घर पे। बहुत शैतान आदमी है, बहुत ही शैतान आदमी है ये हमारे घर पे। अब मैं तो जा रही हूँ, चले चलो, बाय टीटू, बाय। तो तू खां जाएगी, मैं चलूँगा इसके ऊपर, होकर कूद नहीं सकता मैं, इसको बहुत मजे आते हैं बेड पे कूदने। इसकी फुल मस्ती चल रही है, मुझे छड़नी नहीं देगा बेड पे भी, बड़ा बदतमीज आदमी है ये। देखो ये मुझे नहीं आने के मौके ढूंढ रहा है मेरी क्लेचर। या तो बड़ा ही बदतमीज आदमी है हमारे घर पे, इसको एक क्लैचर चाहिए कि ये क्लैचर दे दे मुझे। दे दे। गुड नाइट गाइस, तो थक गए आज सोते हैं, टाइम तो 10 बज गए फिक्स, और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट गाइस। टीटू, हाजी मोला चपोला।